नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम सरकारी एम्प्लॉइज की पेंशन को कैसे कैलकुलेट करें। मान लो यदि प्रति माह उसके फंड में से 5,000 रुपए पेंशन फंड में चला जाता है तो साल का हो गया 60,000 रुपए। इसी तरह यदि उसकी सर्विस जो है 35 साल है तो कुल मिलाकर 21 लाख बने, तो वो सरकार क्या करेगी, 21 लाख का एक एफडी करा देगी, उसका 2,10,000 रुपए प्रति वर्ष ब्याज आएगा और प्रति माह 17,500 रुपए उसको पेंशन के रूप में दे दिए जाते हैं। धन्यवाद। एक बात और है विक्रम जी, ये मान लो कि ये जो एफडी है किसके नाम पे होगी, मींस अगर एम्प्लाइज के नाम पे होगी तो उसको तो वो पैसे भी मिल जाएंगे, वो निकाल भी सकता है, ये कैसे होगा? ये जो एफडी है ये एक बड़ा फंड ले लिया जाता है। हाँ जी। सभी कर्मचारियों के फंड को मिला के एक बड़े फंड की एफडी सरकार अपने नाम पे कर लेती है। अच्छा, सरकार के नाम पे होगा। हाँ जी, ठीक ठीक। मीन्स उसमें सिर्फ ब्याज जो है पेंशन को में जो ब्याज है वो सरकार अपने कर्मचारियों को दे देगी। नहीं, अगर मान लो कि कोई कर्मचारी मर जाता है तो वो उसके बाद किसको अधिकार है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? यदि कोई कर्मचारी मर जाता है तो उसकी जो धर्म पत्नी है उसको आधा मतलब की पोर्शन मिलता है पेंशन का, जितनी भी पेंशन बनेगी। मतलब वो कैसे कैलकुलेशन होगी, मतलब कि जैसे कह रहे थे 17,500 मिल रही है एक को। हाँ जी, उसका तो आधा जो रकम है वो उसकी पत्नी को दे दिया जाएगा। यानी 17,500 का हो गया आधा, 16,000 का आधा 8,000, और 500 इसमें, और मतलब कि 8,750 रुपए उसकी पत्नी को दे दिए जाएंगे। ठीक ठीक। और अगर उसकी पत्नी भी डेथ हो गई है तो एक और भी है उसमें केस? नहीं, और कुछ नहीं है। नहीं, वैसे मेरे पापा ने कहा था कि ना अगर कोई उसकी बेटी है जो डिपेंडेंट है और उसकी पति की भी डेथ हो गई है और उसके या उसके का डिवोर्स हो गया या वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर पति जिसकी पेंशन है उसकी डेथ हो जाए और क्या कहते हैं अगर उसकी डेथ हो जाए उसकी वाइफ की, तो डिपेंडेंट बेटी को भी अधिकार। ये तो एक रेयर केस हो गया। हाँ, ये हो सकता तौर पर तो उसकी पत्नी को दिया जाता है। हाँ, और ये एक रेयर केस हो जाता है कि उसकी बेटी जो उस पर डिपेंडेंट है उसको मिल सकता है। आप आए, यहाँ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।